कौन कहता है मनीषा रानी इंडिविजुअली पॉपुलर नहीं है, कौन कहता है मनीषा रानी की हाइप इंडिविजुअल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शिपिंग फैंडम के ही बदौलत है, उन सबको मिलेगा आज मुंह तोड़ जवाब कैसे मनीषा रूल कर रही है न केवल इंडिया में वर्ल्ड वाइड। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। मनीषा रानी की जो हाइप है वो न केवल इंडिया में वर्ल्ड वाइड है, ये आपको मानना होगा। बिग बॉस के ऐसे तीन कंटेस्टेंट हैं जो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल फैक्ट बोलूं तो एल्विश, अभिषेक और मनीषा, ये तीन ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो बिग बॉस सीजन 17 आने के बाद भी रूल कर रहे हैं। और वाकई में जो इन्होंने फैन बेस बनाया है ना, वो इतना ज़्यादा लॉयल है कि मैं ट्विटर पे जब देख रहा हूँ तो मुझे ये बात रियलाइज़ हो रही है कि लोग कितना ज़्यादा इनसे इमोशनल टच्ड हैं, खास करके मनीषा से, मनीषा रानी को लेकर ना बहुत सारे लोग। और मैं आपको ये पहले बता दूँ कि देखो, हमने हमेशा ही मनीषा को सपोर्ट किया है, जब भी वो बात आई है, जब भी ट्रोलिंग हुई है, चाहे वो कोई भी वजह हो, वी ऑलवेज स्टैंड फॉर मनीषा। और मनीषा रानी ने ऐसा काम भी किया है कि वो डिजर्व करती हैं ये सारी चीज़ें। मनीषा न केवल इंडिया में वर्ल्ड वाइड ट्विटर पे सेकंड नंबर पर ट्रेंड हो रही हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले जब एल्विशा का शूट चल रहा था ना, उस समय मनीषा नंबर वन पे ट्रेंड हो रही थी। आप शॉक मत हो जाना अगर नंबर वन पर भी मनीषा आ जाए, क्योंकि मनीषा रानी की जो ग्राफ है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, 79% अप है, और ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग लिस्ट है बॉस, ये इंडिया की नहीं है। तो ऑल दो आप ये समझ सकते हो, जो लोग भी ये कहते हैं कि मनीषा सिर्फ और सिर्फ शिपिंग फैंडम का नाम ले रही है, शिपिंग फैंडम को यूज़ कर रही हैं, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। उनको इस वीडियो को दिखाना और बताना कि भाई मनीषा जो है वो अपने आप में ही इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है कि मनीषा को किसी भी शिपिंग फैंडम या किसी के नाम की ज़रूरत नहीं है, शी इज़ अ क्वीन एंड शी रूल इन द वर्ल्ड। और मनीषा रानी ने एक बार फिर प्रूफ कर दिया है। वैसे जब से बिग बॉस का 17 सीजन शुरू हुआ है, तब से एल्विश, मनीषा, अभिषेक, इनके फैंस जो हैं वो लगातार ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं। आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।